अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए शॉर्ट सी वीडियो लेके आई हूँ, वनीला पेस्ट्री केक की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ईजी बनती है। मैं आपके वक्त की बहुत कदर करती हूँ, आप मेरी वीडियो देखने के लिए आते हैं। आप सब बहुत अच्छे हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे केक का ऑर्डर आया था कि अंदर से वनीला केक हो और बाहर से चॉकलेट हो, तो मैंने उनकी फरमाइश पर केक बनाया है। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगेगी। चलिए आइए रेसिपी की तरफ आते हैं। वनीला पेस्ट्री केक बनाने के लिए पहले हम 4 अंडे लेंगे। इसको हम रूम टेम्परेचर पर लेंगे। इसको हम पहले बीट कर लेंगे थोड़ा सा, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप शुगर। इसका पाउडर बना लेंगे, इसको हमने डाल लेना है। इतना बीट करेंगे ये क्रीमी लुक में आ जाए। जब ये क्रीमी लुक में आ जाएगा फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। वनीला एसेंस डाल के हम इसको बीट करेंगे 2 मिनट के लिए। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप मैदा। आप देख सकते हैं ये क्रीमी लुक में आ गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कप मैदा। इसको हम 3 बार छान लेंगे। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून डाला था बेकिंग पाउडर, इसको मिक्स कर लेंगे। जब हम डालेंगे ना मैदा, फिर हम इसको बीट नहीं करेंगे, इसको हमने मिक्स करना है। आप देख सकते हैं, आपने भी ऐसे मिक्स करना है। बीटर से काम करेंगे तो ये केक ख़राब हो जाएगा। मैदा और बेकिंग पाउडर को हम अच्छी तरह छान लेंगे। अगर हम नहीं छानेंगे तो हमारा केक ख़राब हो जाएगा, तो आपने ये बात लाजमी याद रखनी है। हम एक मोल्ड लेंगे, इसको ग्रेस डाल लेंगे, बटर पेपर लगा देंगे, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे बैटर। बैटर डालकर 3 बार टैप करेंगे। टैप करने से हमारा केक इक्वल बनेगा। इसको हम प्रीहीट पतीले में 1 घंटा बेक करेंगे। आप देख सकते हैं इसको हमने टैप कर लिया है। बैटर बनाने से पहले मैंने पतीले में स्टैंड रख प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। अब हम पतीले में इसको रख देंगे, 1 घंटा बेक करेंगे। पतीला हमारा सही गर्म होगा तो हमारा केक सही बेक होगा, तो आपने ये बात याद रखनी है। इसको कवर कर देंगे। आपने पूरा 1 घंटे बाद देखना है, इसको बार बार खोल कर नहीं देखना। 1 घंटे के बाद चेक करते हैं, हमारा केक बेक हो गया है। आप देख सकते हैं हमारी केक टेस्टर स्टिक साफ़ है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसको ठंडा कर लेंगे। केक पर फ्रोस्टिंग के लिए हमने क्रीम को भी पका लेना है। आप देख सकते हैं, आपने नाइफ पर लगा कर चेक कर लेना है क्रीम को। अगर ये क्रीम नहीं गिरती तो इसका मतलब है हमारी क्रीम विप हो गई है। क्रीम को बोर्ड पर लगा देंगे ताकि हमारा केक बैलेंस में रहे, अनबैलेंस ना हो जाए। इसके ऊपर हम केक रख देंगे। इसको मैंने 2 हिस्सों में काट लिया था। फर्स्ट लेयर हमने रख दी है, इसको मैं फोक से सुराख कर लूँगी। फिर इसके ऊपर हम पाइनएप्पल जूस से इसको नरम कर लेंगे। पाइनएप्पल जूस मैं 2 लूँगी, आधा मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, फिर इसके ऊपर मैं क्रीम लगाऊँगी। आपने इसको अच्छी तरह सोक कर लेना है, नरम कर लेना है। इसके ऊपर क्रीम लगाते हैं। क्रीम लगा के आपने इसको अच्छी तरह कवर कर लेना है चारों तरफ से। क्रीम आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप कम लगा लें, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा लगा रहे हैं। मैं ना कम लगा रही हूँ ना ज़्यादा लगा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर चॉकलेट सॉस लगा देंगे। मुझे ऑर्डर आया था कि बस हमें टेस्ट चाहिए चॉकलेट का, ज़्यादा ना हो चॉकलेट, तो इसलिए मैं इसको टेस्ट देने के लिए क्रीम पे लगा रही हूँ चॉकलेट। तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा। इसको आपने ऐसे ही लेवल कर लेना है। इसके ऊपर मैं डाल दूँगी चॉकलेट चिप, डाल दूँगी वाइट। अगर आपके पास ब्लैक है तो आप ब्लैक डाल लें। इसके ऊपर केक की दूसरी लेयर रख देंगे। इसको भी फोक से सुराख कर लेंगे। इसको भी पाइनएप्पल जूस से सोक कर लेंगे, नरम कर लेंगे। हर एक की अपनी चॉइस होती है, फ़्लेवर होता है, टेस्ट होता है। अगर आपको पाइनएप्पल जूस नहीं पसंद तो आप मैंगो फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर ले सकते हैं। और अगर आपको वनीला टेस्ट नहीं पसंद तो आप इसमें मैंगो एसेंस, एप्पल एसेंस डाल के ना केक को फ्लेवर दे सकते हैं। बस आपने केक ऐसे ही बनाना है, बस इसका टेस्ट चेंज होगा। केक को क्रीम से कवर कर लेंगे। हमने जब क्रीम का विप करना है ना, तो हमारी क्रीम लिक्विड में होनी चाहिए। आजकल सर्दियां हैं तो इसलिए इसमें बर्फ़ ना हो, क्रीम लिक्विड में ठंडी होनी चाहिए, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। इसको मैं कवर कर लूँगी, आपको दिखाते हैं। फिर इसको कवर करके आप देख सकते हैं ऐसे कवर कर लेना है। कभी कभी क्रीम विप नहीं होती, हम गलती करते हैं। जब हम क्रीम बॉक्स खोलते हैं ना तो इसको हम शेक नहीं करते, हम ऐसे ही क्रीम निकाल लेते हैं, तो फिर सही विप नहीं होती, फिर हम कहते हैं क्रीम ख़राब है। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है। मैंने इसको कवर कर लिया है, इसको मैं डिज़ाइन दे दूँगी। पाइपिंग बैग लेंगे, इसके अंदर डाल देंगे फ्लावर नूडल्स, फिर इसके अंदर डाल देंगे विप क्रीम। इसको मैं ऐसे डिज़ाइन दे दूँगी। आप देख सकते हैं, आपने भी ऐसे डिज़ाइन दे देना है। थोड़ी सी मैं लूँगी विप क्रीम, इसके अंदर मैं डालूँगी रेड कलर।
इसको मिक्स करके इसको पाइपिंग बैग में डाल के इसको मैं आगे से कट कर दूंगी पाइपिंग बैग को सीधर से, फिर मैं इसके ऊपर लिख दूंगी HBD निशान। बहुत ही प्यारा लग रहा है, अल्लाह करे उनको भी पसंद आ जाए। मुझे ना उन्होंने कहा था HBD निशान बट लिखना है, अगर जगह है तो लिख देना, अगर जगह नहीं है तो निशान लिख देना, बट रहने देना, तो इसलिए मैंने बट नहीं लिखा। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने डेकोरेट कर लिया है चॉकलेट से। अब इसके ऊपर गोल्डन बोर्ड रख देंगे, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लग रहा है। मेरा दिल कर पड़ा खाने का लेकिन मैं खा नहीं सकती, ये तो मेरा ऑर्डर है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। केक रेडी हो गया है डिलीवर होने के लिए, इसको मैंने बॉक्स में रख दिया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इनको लेने आने लगे हैं 8 बजे, तो अल्लाह करे इनको पसंद आ जाए। चलिए आइए इनकी बर्थडे इंजॉय करते हैं। आपकी है शुरू हो सारे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सेंड करो नहीं करो।